है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वापस वैसा का वैसा ही निकलेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, अगर 15 है तो 2.5 हो जाएगा। तो ये 2.5 जो मेरा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, जब ये 16 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल नहीं है। इसी तरीके से 13 पे कितना होगा 2.5, इसी तरीके से 12 पे कितना होगा 2, 11 पे कितना होगा 1, और इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर देख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग O2 2 प्लस O2 में कितने होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 प्लस है मतलब 16 माइनस 2 इज 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा वो कितना आएगा 3। क्या ये फ्रैक्शनल है? नहीं, गलत हो गया ये तो। चलो आगे देखते हैं, O2 2 माइनस 16 के पास प्लस 2 कर दोगे कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इधर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। क्या ये भी फ्रैक्शनल है? नहीं, फ्रैक्शनल नहीं है। F2 2 माइनस, तो यहाँ पे 18 के बाद में 19 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 0.5 और ये कितना हो गया 0। अगर आप लोग देखेंगे तो F2 में पहले से ही 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन में 9 प्लस 9 18 है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए हैं। तो टीचर्स देखिए यहाँ पे कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0 हो गया इसका। अगर मैं देखूँ H2 माइनस, तो यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ इसे मैं। H2 माइनस में हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनस लगे होने के वजह से इसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो σ1s2 एंड σ*1s1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 2, एंटी बॉन्डिंग इज 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1/2। यहाँ पे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो मेरे पास में आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ही पूछा था।